नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग मैसनरी के ऊपर बात करने वाले हैं। बर्न ब्रिक मैसनरी, फ्लाई ऐश ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी। मैसनरी वर्क में मेनली कैसा है, जो बांधकाम रहता है, ईंट का बांधकाम वगैरह, ये जनरली बिल्डिंग के आर्ट जो रहता है वो उसको मेनली दर्शाता है। जैसे मेनली वो बिल्डिंग का आर्ट कैसे रहता है, क्या रहता है, वो स्टोन का रहेगा या ब्रिक का रहेगा, तो उसके हिसाब से, या फिर और ओपनिंग जो भी रहते हैं क्लोज करते हैं को दो कॉलम के बीच में, इसमें पूरा ये जो दीवारें मतलब ईंट का हो स्टोन का हो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये मेनली कैसा रहता है मैसनरी, ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स मतलब स्टोन्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, कंक्रीट हो गया, हॉलो ब्लॉक्स हो गया, सेलुलर कंक्रीट हो गया, लैटराइट हो गया, अलग अलग टाइप की जो है इसके हिसाब से उसके हॉरिजॉन्टल कोर्सेस इसमें सीमेंट मॉर्टर में जोड़ करके किया जाता है। मेनली मतलब दीवार का बांधकाम सब मतलब सीमेंट मॉर्टर में, ये तो लाइव मॉर्टर में पहले ही करते थे, अभी तो सीमेंट मॉर्टर सैंड मॉर्टर में ही करते हैं। इसमें बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो रहती है मॉर्टर की, वो जनरली मेनली कंसिडर करते हैं बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मॉर्टर मतलब इसके डिस्कार्डेड स्ट्रेंथ ऑफ वॉल इज कंसर्न, मतलब मेनली बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मॉर्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, मतलब ये दीवार कंस्ट्रक्शन करते समय वो इसका बाइंडिंग स्ट्रेंथ मॉर्टर का इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखेंगे बर्न ब्रिक मैसनरी, मतलब ये जो ईट ईट रहते हैं आपने भी सब जगह देखा होगा उसमें। उसके बाद है फ्लैश ब्रिक मैसनरी, फ्लैश ब्रिक आजकल बहुत यूज होता है। उसके बाद है स्टोन मैसनरी, ये मेजर तीन हम मैसनरी का देखेंगे, और चौथा है कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी है बर्न ब्रिक मैसनरी। बर्न ब्रिक मैसनरी में कैसा है, सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, सबसे ज्यादा चलने वाला। आप ऑल ओवर हिंदुस्तान देखिए, इंडिया देखिए, सब जगह अपना ब्रिक मैसनरी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं सब जगह, और सबका लेकिन साइज अलग अलग रहता होगा, वो भी ध्यान दीजिए। इसमें कैसा है, जो ब्रिक्स ईटे रहते हैं वो मोर्टर लगा के एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाई जाती है, ईट का चुनाई करना बोलते हैं ये पूरा किया जाता है। इसमें मेनली मोर्टर लगा करके एक के ऊपर रख करके और एक कोर्स में हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें अलग टाइप के ब्रिक्स है अभी अवेलेबल ब्रिक्स में, इसमें कैसा है, और मोर्टर्स भी अलग अलग टाइप के हम यूज करते हैं मैसनरी के लिए। अभी क्लासेस ऑफ ब्रिक्स, इसमें देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या है, सीमेंट और लाइम मोर्टर यूज किया जाता है, और इसमें सरफेस और एजेस ब्रिक का जो एज साइड वगैरह रहता वो एकदम शार्प रहता है ईट का, और इसमें थिकनेस जो रहता है मतलब ये सीमेंट सैंड जो सीमेंट लाइन ये जो मोर्टर रहता है उसका जो थिकनेस रहता है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं रहता। सेकंड क्लास ब्रिक में कैसा है, ये ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स रहता है और ये बहुत ही रफ शेप में रहते हैं और थोड़ा इरेगुलर भी रहते हैं, इसमें जो मोर्टर का थिकनेस रहता है वो 12 mm रहता है। थर्ड क्लास में कैसा रहता है, ब्रिक से ये हार्ड भी नहीं रहती, रफ भी रहती है और अलग डिसऑर्डर्ड शेप इरेगुलर शेप में रहते हैं, ये जनरली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया तो डिसमेंटल कर सकते हैं और काम होने के बाद मतलब वो टेम्पररी स्ट्रक्चर का यूज होने के बाद डिसमेंटल कर सकते हैं। इसमें ये जहाँ हीवी रेनफॉल है, हीवी रेनफॉल नहीं है वहां ये यूज कर सकते हैं। ये ब्रिक सीमेंट और उसके मोर्टर का उसके हिसाब से हम ऊपर देख लें क्या यूज करते हैं। अभी बर्न ब्रिक मैसनरी, इसमें फिगर में आप देख रहे हैं ये ईंट की दीवार कैसे की जाती है, बीच में ये मोर्टर दिखता है आपको। अभी इसमें कौन कौन से बॉन्ड यूज किए जाते हैं ब्रिक मैसनरी में, पहला है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड इधर स्केच से आपको पता चलेगा कि ये वॉल है, कॉमन ब्रिक्स है, ब्रिक का फेस है, हाफ ब्रिक का साइड में है। स्ट्रेचर बॉन्ड में कैसा है, सारे ब्रिक्स इस तरह अरेंज किए जाते हैं कि स्ट्रेचर्स सारे सब दीवार के सामने आ जाए,
मतलब ये देखिए, ये सब सामने आना चाहिए, ये देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड, ये पूरा सामने आना है। स्ट्रेचर बॉन्ड ये सिर्फ हाफ ब्रिक के लिए सुटेबल, हाफ ब्रिक और जहां हम करते हैं उसके लिए ये सुटेबल है। स्ट्रेचर बॉन्ड में ईटे जो रहती है वो स्ट्रेचर कोर्स में लगाई जाती है इस तरह से, और ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ जॉइंट इनका एक के पास ना आ जाए, मतलब इसके जॉइंट अल्टरनेट आ रहा है, एक के ऊपर एक जॉइंट ना आ जाए, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड ऐसे देखिए, ये सारे ब्रिक्स ऐसे लेके जाते कि सारे हेडर्स दीवार, मतलब फेस, दीवार के फेस में आते हैं। इसमें स्केच के हिसाब से देखिए, ये जनरली हेडर बॉन्ड ये वन ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब पूरा ब्रिक। अब ये इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड स्केच, अब देखिए स्केच के हिसाब से देखिए, इंग्लिश बॉन्ड में क्या है, अल्टरनेट हेडर्स और स्ट्रेचर्स के कोर्स यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इधर देखिए, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर, ऐसे अलग अलग टाइप से यूज किए जाते हैं। और ये जनरली बॉन्ड कॉमन यूज किया जाता है, यानी कोई भी थिकनेस रहेगा तो इसमें ये इंग्लिश बॉन्ड यूज किया जाता है, जहाँ थिकनेस का कोई मतलब मर्यादा नहीं है वहां ये यूज किया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड का रहता है। अभी फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड में देखिए आप, सब कोर्स ऐसा है, अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर है। जैसे देखिए हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर है, हेडर है, हेडर स्ट्रेचर है, सब जगह अलग अल्टरनेट रहता है। ये अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर रहते हैं, ये सेंट्रली सपोर्ट रहते हैं, नीचे जो स्ट्रेचर रहता है उसके ऊपर ही ये रखा जाता है कि मजबूती के लिए। और हर अल्टरनेट कोर्स के लिए एक हेडर से कॉर्नर में हेडर रहता है, उसके हिसाब से ये शुरुआत होती है, हर अल्टरनेट कोर्स का शुरुआत हेडर से, कॉर्नर जो हेडर है उससे शुरुआत होती है। अभी मेजरमेंट, ये मेजरमेंट का ब्रिक मैसनरी जनरल रूल्स कुछ है वो हम देखेंगे। इसमें कैसा है, ब्रिक मैसनरी जनरली मेजर्ड इन वॉल्यूम और थिकनेस मोर देन सिंगल ब्रिक, मतलब 9 इंची वगैरह रहेगा तो उसको क्यूबिक मीटर में हम कंसिडर करते हैं। और जो सिंगल ब्रिक जो सिंगल रहता है, मतलब 4.5 इंची है, तो उसको हम स्क्वायर मीटर में कंसिडर करते हैं, एक सिंगल ब्रिक रहेगा तो, और सिंगल ब्रिक से ज्यादा रहेगा तो क्यूबिक मीटर में, मतलब 9 इंची वगैरह रहेगा तो क्यूबिक मीटर में, 4.5 इंची रहेगा तो स्क्वायर मीटर में। फेसिंग ब्रिक का फेसिंग जो रहता है वो सेपरेट मेजर किया जाता है। अभी साइज, ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज, नॉमिनल ब्रिक का साइज कैसा है, 9 इंची बाय 4.5 इंची बाय 3 इंची, मतलब 230 mm बाय 115 mm बाय 75 mm। और स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या है, 190 mm बाय 90 mm बाय 90 mm। अभी मोड ऑफ मेजरमेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट कैसा है, 230 थिकनेस का वॉल जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है, और 115 mm थिकनेस का वॉल जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर। अभी फ्लाई ऐश ब्रिक मैसनरी, फ्लाई ऐश ब्रिक मैसनरी, इधर आप स्केच में देखिए, फ्लाई ऐश ब्रिक मैसनरी, फ्लाई ऐश ब्रिक इज एक टाइप का बिल्डिंग मटेरियल है, अलग टाइप से मैसनरी के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सी क्लास का फ्लाई ऐश, मतलब क्लास सी फ्लाई ऐश और वाटर यूज किया जाता है, क्लास सी और क्लास फ्लाई ऐश में वाटर यूज किया जाता है। इसमें कैसा है, कंप्रेस, मतलब 28 APA पे कंप्रेस किया हुआ और 24 आवर्स क्योर किया हुआ, और 66 डिग्री में स्टीम बाथ पे जो टफन किया हुआ एयर एंटरटेनमेंट एजेंट रहता है वो फ्लाई ऐश, तो उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। ये ब्रिक्स जनरली 100 फ्री थ्रो साइकिल, ये फ्लाई ऐश ब्रिक रहता है 100 प्लस 100 फ्री थ्रो साइकिल लास्ट होता है। अभी फ्लाई ऐश ब्रिक मशीनरी, सोर्सेस ऑफ फ्लाई ऐश, जनरली अपने को मालूम है 72% अपना भारत में पावर प्लांट और ये कोल बेस है, मतलब 72%
जो इंडिया के पावर प्लांट है वो कोल बेस्ड है, तो उसमें एज अ पावर स्टेशन में 40 मिलियन टन फ्लाई ऐश जनरेट होता है जनरली, कितना 40 मिलियन टन। तो फ्लाई ऐश में जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है थर्मल पावर प्लांट से, इंडस्ट्री से, तो वो कोल यूज करके एज अ फ्यूल इमिट्स जो अनवांटेड ऐश रहता है और जो स्मोक रहता है उसके हिसाब से फ्लाई ऐश तैयार किया जाता है। ये सारे पावर प्लांट्स में और इंडस्ट्री में ये फ्लाई ऐश को सेपरेट करते हैं साइक्लोन कन्वर्टर के यूज करके। ये फ्लाई ऐश बाद में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं ब्रिक्स तैयार करने के लिए। अभी अभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक। फ्लाई ऐश, सीमेंट, सैंड, वाटर। अभी मोड ऑफ मेजरमेंट 230 mm थिकनेस के लिए क्यूबिक मीटर, 115 mm थिकनेस के लिए स्क्वायर मीटर। अभी स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी जनरली बिल्डिंग में मैसनरी है जिसमें ज्यादातर स्टोन्स और मॉर्टर यूज किया जाता है। ये टेक्निक कैसा है, बिल्डिंग के फाउंडेशन में जनरली फ्लोर्स में, रिटेनिंग वॉल्स में, आर्चेस, वॉल्स और कॉलम में यूज किया जाता है। ये स्टोन्स जनरली यूज करने वाले जनरली नेचुरल रॉक रहता है। अभी टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी, इसमें देखिए रैंडम रबर मैसनरी स्केच के हिसाब से, एशलर मैशनरी। अभी हम मेजरमेंट देखेंगे। मैशनरी जो है इसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स यूज किया जाता है मॉर्टर में, और इसमें कोर्स एग्रीगेट यूज किया नहीं रहता कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। हम जो मैशनरी यूज करते हैं मेनली सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जनरली यूज नहीं करता यूज करते। और इस मैसनरी, स्टोन मैसनरी वर्क और जनरली ब्रिक मैसनरी, कंक्रीट ब्लॉक, स्टोन, रबर मैसनरी जनरली क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, परंतु जहां जहां थिकनेस मेंशन किया या फिर ये तो वहां स्क्वायर मीटर में, सिंगल ब्रिक है तो स्क्वायर मीटर में। क्वांटिटी मेजर करते समय वेस्टेज ऑफ मटेरियल ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड ये हम कंसिडर नहीं करते, इसको आपको रेट एनालिसिस में या फिर उसका कॉस्ट निकालते समय कंसिडर करना। और ये टाइप्स, क्लास ऑफ ब्रिक्स, ब्लॉक्स ये कंसिडर नहीं करते जनरली क्वांटिटी मेजर करते समय। ये सब सारी चीजें हम जब एनालिसिस करते हैं वो समय अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। ये मैसनरी अलग टाइप का, अलग टाइप जो भी है अलग टाइप से मेजर किया जाता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और इसके हिसाब से उसको एग्जैक्ट कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।